दोस्तों मैं जय वसावड़ा फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने और इस बार हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नई फिल्म बुलबुल के बारे में। फिल्में तो काफी सारी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो जरा स्पेशल लगती है दिखने के बाद, तो इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। डोंट वरी, हम उसकी कहानी को छूने वाले नहीं है, कोई बड़े स्पॉयलर्स उसमें कहने वाले नहीं है। फिल्म कैसी लगी और उसकी क्या इफेक्ट हुई और उसमें क्या समझने जैसा है, वैसी कुछ बात, ये सीखने की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ देखने की बात है, फिल्में पढ़नी भी चाहिए कभी साहित्य कृति की तरह। और बुलबुल ऐसी फिल्म है जिसको हम साहित्य कृति के साथ ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और वो रेयर है आज के जमाने में। हम बातें तो बहुत करते हैं कि भाई अच्छी फिल्में देखने चाहिए और ये नेपोटिज्म खत्म करना चाहिए, ग्रुपिज्म खत्म करना चाहिए, लेकिन जब अच्छी फिल्में जो स्टार लोग नहीं है, जो बड़े बड़े लोग नहीं है उनकी आती है, तब बड़े लोग उसको प्रमोट भी करते हैं लेकिन लोग पैसे खर्च करने के लिए देखने नहीं जाते। वो बड़े स्टारों की वो कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट वैल्यू वाली फिल्में ही देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी तुम्बाड़, अब हिंदुस्तान में बनी हॉरर फिल्मों में ये शिरमोर मानी चाहिए, ऐसी अद्भुत फिल्म थी तुम्बाड़। और तुम्बाड़ फिल्म में क्या बात थी कि उसने फेबल, जिसको परिकथा कहते हैं, दादा दादी की कहानियां कहते हैं, और हमारा देश तो किस्सा गोर, ये पूरा देश जो कहानियों का देश, हिंदुस्तान जो देश है वो कहानियों पर जीता है, इससे कहानियां हमें पसंद आती है, हमारी न्यूज की स्टोरी भी ऐसे ही बनाई जाती है। तब देखिए वेताल 25 और सिंहासन 32 जैसी कहानियां हैं हमारे पास, रहस्य से भरपूर, रोमांस से भरपूर, राजा रानी की कहानियों में भी काफी सारे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। तो तुम्बाड़ ने वही उपयोग किया, वो फेबल की तरह उसने स्टोरी की। अब यूरोप के पास इतना लंबा हिस्ट्री नहीं है जितना भारत के पास है, इतना रिच कल्चर नहीं है, वो लोग बनाते हैं इस तरीके से फिल्में, हमारे पास तो इतना बड़ा खजाना है लेकिन हम शायद चूक जाते हैं बनाने में। तो तुम्बाड़ बहुत अद्भुत फिल्म थी, इतनी चली नहीं लेकिन उसने एक पूरा एम्बियंस क्रिएट किया, एक पुरानी जैसी कहानी आप खोल रहे हो, कोई आपको गोदी में बिठा के कहानी सुना रहा है, एक वक्त की बात सुनाए उस तरीके से। बुलबुल उसी में एक अगली कड़ी है। हाँ, तुम्बाड़ जितना बड़ा स्केरी हॉरर वो क्रिएट नहीं कर पाई, उसमें कुछ सीन है स्केरी वाले लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो एक और कहानी कहती है, वो साहित्य की कहानी कहती है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बात भी है, जब फीमेल एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर जो हीरोइन होती है या टीवी पे मेकर होती है, वो जब फिल्म मेकर बनती है, हमारे यार फीमेल प्रोड्यूसर्स अभी 21वीं सदी में, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां लेके आती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन। जैसे एकता कपूर को आप देख लीजिए, अब एकता कपूर आपको मालूम होगा कि वो तो सास बहू की किससे कहानियां ही कहती रहती और काफी सारी उनकी सीरियल है, उसके लिए हिट है, और एक बड़ी एक पावर वुमन नहीं लेकिन पाउडर वुमन जिसको हम कह दें, वैसी एक इंडियन नारी की, भारतीय नारी की उन्होंने छाप बना के रखी है। वो देवरानी जेठानी के कोई या ननद भोजाई और या कोई सास बहू, वही सब बातें होती है उनकी सीरियलों में। लेकिन आप उनकी फिल्में प्रोड्यूस की हुई की लिस्ट देख लीजिए तो आपको बड़ा ताजुब लगेगा। आप सोचिए, उन्होंने डर्टी पिक्चर प्रोड्यूस की, उन्होंने रागिणी एमएमएस प्रोड्यूस की, उन्होंने शोर इन द सिटी प्रोड्यूस की, तो कृष्णा कॉटेज प्रोड्यूस की, ऐसी ऐसी फिल्में जिसमें हॉरर के एलिमेंट हो, जो बोल्ड हो, जो हीरोइन को पावर वुमन के तौर पे दिखाती हो, ऐसी ऐसी फिल्में, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, गैंगस्टर की फिल्म, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि उनकी सीरियल ऐसी नहीं है प्रोड्यूस की हुई। अब ये फिल्म जो बुलबुल है वो अनुष्का शर्मा ने बनाई है, अनुष्का शर्मा खुद ही अपने मानी जानी मानी हीरोइन है, विराट कोहली की वजह से और फेमस है, लेकिन उन्होंने जब फिल्में प्रोड्यूस की तो बड़ी डिफरेंट तरीके से की। NH10 उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलर फिल्म थी और बड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी, और उसमें भी एक इश्यू की बात थी, वो हमारे कुछ समाज में, कुछ वर्ग में, कुछ प्रदेश में कैसा हो रहा है स्त्रियों के साथ और किस तरीके से स्त्रियों को देखा जा रहा है। वैसे उन्होंने एक हॉरर फिल्म जो बड़ी स्कैरी फिल्म भी थी, परी प्रोड्यूस की, अच्छी फिल्म थी, उसमें वॉर ट्रोडन बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बात थी, और उसमें उन्होंने मुस्लिम भूतों की बात भी कहानी के तौर पर बताई थी, और वहां पे अनुष्का शर्मा ने जो बात की वो परी के प्रोड्यूसर के तौर पे, वहां पे भी कहीं पे गर्भपात की बात थी, कहीं पे वो भी फीमेल सेंट्रिक इश्यूज थी। फिर उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की फिल्लोरी, जो भी एक फेबल थी, एक परिकथा जैसी कहानी ही थी, एक भूत वाली, तो कुछ ऑब्सेशन तो है उनका इन कहानियों के साथ, इन बातों के साथ। और अब उन्होंने प्रोड्यूस की ये फिल्म बुलबुल, जिसमें भी वही चुड़ैल वाली कहानी की बात आ रही है, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, वो बड़ी पुरानी कहानी है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन उसको उन्होंने पीरो के बाद डिफरेंट तरीके से की है। और जिसमें मैं बताना चाहता हूं, जिसमें तुम्बाड़ को इसलिए शुरू में याद किया कि एम्बियंस वाली फिल्म, माहौल वाली फिल्म,
तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, फिल्म अपनी फ्रेम से बनती है, उसमें पूरा एडिटिंग से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक एक रोल होता है कि कैसे क्रिएट करे आप कहानी और उसके कैसे वो वहां पे ट्रांसफॉर्म कर दे। आप घर पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने सोफे पे लेटे हुए देख रहे हैं ये फिल्म, लेकिन कैसे वहां पे पहुंच जाए, उस पीरियड में पहुंच जाए, उस कालखंड में पहुंच जाए, उस पात्रों के किरदारों के साथ आप जुड़ जाए, तो वही तो खासियत होती है अच्छे फिल्म मेकरों की। तो अन्विता दत्त ने इसमें ये बखूबी काम निभाया है। अगर आपको कुछ लिटरेचर का परिचय हो, साहित्य का परिचय हो, तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि लिटररी टाइप की फिल्म है, उसमें साहित्य कृति पढ़े लिखे लोगों की फिल्म है, और पढ़े लिखे मानी अक्षर ज्ञान वाले या डिग्री वाले नहीं, जिनको कुछ कविताएं पढ़ने का शौक हो, साहित्य कृति पढ़ने का शौक हो, जैसे इसमें बिनोदिनी और महेंद्र और ऐसे कुछ किरदारों के नाम आपको दिखाई दे तो आपको रविंद्रनाथ टागोर उसमें दिखाई देंगे, चौखेर बाली और घरे बाहिरे दिखाई देंगे, और देवर और भाभी के रिश्तों की बात है वहीं पर भी टागोर है, शरद बाबू भी कहीं पर दिखाई देंगे। छोटी बहू की बात आती है पुरानी हवेली में, वो एक छोटी बहू जो यूं तो ऐसे है कि भाई ये बीच में ही कहीं पे अटक जाती है अपने जीवन में, लेकिन वो छोटी बहू वाली कहानी के साथ बिमल मित्र, बड़े जाने माने उपन्यासकार बंगाली के, और बंगाली भाषा में बहुत काम किया बिमल मित्र ने, और हिंदी में भी अनुवादित हुई उनकी कृतियां। और बिमल मित्र की एक कहानी साहब बीबी और गुलाम, मीना कुमारी और गुरुदत्त को लेकर अबरार अलवी ने जो फिल्म बनाई थी, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, बड़ी जहीन फिल्म थी। तो ये जो फिल्म थे उसमें छोटी बहू का एक किरदार था, और वही तरीके से कि जो रिजेक्टेड है, जिसको यूं तो महत्व नहीं मिलता लेकिन गहनों से महत्व मिलता है। आशापूर्णा देवी की प्रथम प्रतिश्रुति एक बंगाली कहानी, उसमें भी वही कहानी, एक जर्नी ऑफ ए वुमेन की कहानी थी। तो कहीं कहीं पर ये देवदास पारो वाली कहानी, सब कुछ वो जो बंगाली वातावरण में से आई है ना, स्त्रियों की कहानियां, क्योंकि वहां से ही स्त्रियों के मामले में क्रांति भी आई हमारे देश में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय भी आए, स्वामी विवेकानंद भी आए, तो वहां से एक पूरी नए सुधार की जो मुहिम थी वो शुरू हुई। तो जो ये फिल्म है बुलबुल, बड़ी अच्छी तो है, हाँ शॉर्ट स्टोरी को थोड़ी लंबी खींच के बनाई गई है, जैसे छपाक थी वो शॉर्ट फिल्म के तौर पे अच्छी लगती थी, लेकिन उसमें इतनी मोमेंट्स क्रिएट नहीं कर पाई मेघना गुलजार, और कुछ मोमेंट्स थी बड़ी अच्छी, लेकिन फिर प्रेडिक्टेबल हो गई। बुलबुल में भी कुछ वैसा तो है, फिर भी ये देखनी चाहिए, इसलिए देखनी चाहिए कि इसमें वो चुड़ैल वाले और स्केरी हॉरर के सीन तो ठीक है इतने ज्यादा नहीं है, और कॉस्ट्यूम्स और वो सब तो बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा टिपिकल है अमित त्रिवेदी का, और जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वो वही ट्यून बजा के वो आपको पहले से ही बता देते हैं कि सीन आगे क्या आने वाला है, तो वो थोड़ा मुझे लचर लगा। लेकिन जो बात फिल्म में है वो किरदारों के माध्यम से की गई है, उसमें जो हॉरर है वो हॉरर वो नहीं जो आप पर्दे पे देखते हो, वो हॉरर वो है जो हम फील करते हैं अपने आसपास, उसकी बात कहने की कोशिश यहाँ पे की गई है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। ये यहाँ पे बात हो रही है पेडोफाइल की। अब पेडोफाइल नाम सुन के ही हमको कोई विदेशी लोग और सेलिब्रिटियों की न्यूज स्टोरीज याद आती है, वहां पे काफी सारे लिबरल माने जाते कंट्रीज में भी ये बैन है, चाइल्ड पॉर्न, यौन शोषण जो बच्चों का होता है वो बड़ी घिनौनी विकृति है, और काफी ऐसे समाचार भी आते हैं तो हमें घिन होती है अपने इर्द गिर्द के समाज के बारे में, उसकी सोच के बारे में। लेकिन ये बात चाइल्ड मैरिज में भी होती थी और परंपरा मानी जाती थी, और आज भी कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ वर्ग में मानी जाती है। तो यहाँ पे ये हॉरर की बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे वो हॉरर की बात है जिसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो है डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे स्त्रियों को यूं ही पीटना, मारना, उनको मिल्कत समझना, उनको एसेट समझना, उनको अपने कब्जे में रखना। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात भी यहाँ पे की गई है, और ये हॉरर ये नहीं है कि जो फिल्मों के पर्दे पे आप देखते हो, या कोई 1881 या 1901 के बंगाल में आप देखते हो, ये हॉरर ये है जो हमारे इर्द गिर्द समाज में हम देखते हैं, वर्तमान हिंदुस्तान में हम देखते हैं, दुनिया में हम देखते हैं, ये 2020 वाला हॉरर है जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड पॉर्न, और उसके साथ जुड़ी हुई एक और बात भी है, विधवाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है। इस जमाने में तो बड़ा हम गांधी जी के बारे में बातें करते रहते हैं कि भाई गांधी जी ने अकेले आजादी नहीं दिलाई, लेकिन गांधी जी ने कई सामाजिक मोर्चों पर जो काम किया था वो अनमैच्ड है, और उसमें से एक काम उन्होंने ये विधवाओं के बारे में भी किया था, और पूरी वाटर फिल्म दीपा मेहता ने उसके ऊपर बनाई थी, जो ऑस्कर के टॉप 5 फॉरेन लैंग्वेज फिल्म तक पहुंची थी कनाडा की एंट्री के तौर पर। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है, और दो फीमेल के बीच जो पावर गेम, फैमिली में पावर पॉलिटिक्स की गेम चलती है वो भी दिखाया गया है,
और ये जो बात थी कि भाई मुंडन करके विधवाओं को अकेले रहना पड़ता है, आज ऐसा नहीं है कि मुंडन करके अकेले रहना पड़ता है, लेकिन कुछ समाज कुछ वर्ग कुछ ऐसा भी होता है हमारे यहाँ कि विधवा विवाह की इजाजत ही नहीं सोशल, तो उनका जीवन बैरंग भी हो जाता है, श्वेत रंग है उनके जीवन का रंग हो जाता है। तो ऐसी बातें बुलबुल फिल्म में सलीके से दिखाई गई है, आपको चोट पहुंचाए उस तरीके से दिखाई गई है, और उसकी वजह से ये हॉरर फिल्म, ये ऐसी हॉरर फिल्म है जो पर्दे पे तो इतनी हॉरर इफेक्ट क्रिएट नहीं करती, लेकिन उसके एम्बियंस को आप एब्सॉर्ब करोगे और लिटररी एंगल से देखोगे तो अपने आसपास के हॉरर की पहचान आपको वो करवाती है। आप कुछ छोटे बड़े मामूली से विवाद उसके साथ जुड़ गए, ऐसे ही जुड़ गए, किसी ने कहा कि ये कोई राधा कृष्ण का गीत, वो तो गीत बैकग्राउंड में बज रहा है, पुराना बाउल गीत है जिसको थोड़ी बहुत कल्चर की संगीत की पहचान होगी, उसको पता होगा कि ये तो काफी सारे कलाकारों ने यूं ही यूट्यूब के वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, पहले कलंकिनी राधा, वैसे तो गुजराती में भी बहुत सारे गीत है, नटखट श्याम और राधा के दोनों एक दूसरे को, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार गुजरात में जो रीडिंग के बारे में एक लेक्चर देते हुए अच्छी तरीके से बात समझाई थी कि राधिका तूने बंसरी चुराई ये गीत है, लेकिन उसमें FIR तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो शरारत और नोकझोंक और उसकी बात है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक बैकग्राउंड में गीत हो, बेवजह के लोग देखते ज्यादा नहीं है, पढ़ते ज्यादा नहीं है, समझते सोचते सुनते कुछ ज्यादा नहीं है, उनको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए और अपनी जो सोच है वो दूसरों के ऊपर बिठाने का, सेंसर बोर्ड घर घर पे बिठा देना है, वो बात चाहिए, तो इसलिए वो बात शायद ज्यादा तुल ले गई। लेकिन जो तुल लेने वाली बात थी बुलबुल में, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस, पेडोफाइलिज्म, ये जो पेडोफाइल साइकोलॉजी होती है, विकृति जो होती है, वो हमारी कुछ ऐसी परंपरा विधवाओं के या बाल विवाह के बारे में जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, वो रियल हॉरर है हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास का। और ये बुलबुल के मेकर ने कोशिश की, कोशिश में कह रहा हूँ, इतनी कामयाब तो नहीं है, उसमें अपने फ्लोज है, लेकिन फिर भी तृप्ति दिमरी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। लैला मजनू में उनको देखा था तब लगता था कि प्रॉमिसिंग है, तो इस बार तो बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया अभिनय उन्होंने किया है, पूरी फिल्म को अपने नाजुक से कंधों पर वो खींच के ले गई है। तो वो जो कहानी है, वो बुलबुल जब हम सुनते हैं तो किसी बच्चों की परिकथा जैसे डिज्नी फेरी टेल जो होती है रेनबो वाली, वो हमें याद आती है, लेकिन इसमें ये रेनबो के साथ कलर के स्प्लैश के साथ वो मुग्ध सपने और रोमांस के साथ जो जीवन का जो खालीपन है, जीवन की जो जो वास्तविकता है, और वास्तविकता में जो एकांत है वो कितना डरावना होता है, वास्तविकता में किसी का साथ छूटना वो भी अपने आप में एक एक आपको प्रेत बना देता है। और ये ऐसे हॉरर है, ये ऐसे प्रेत है जो हम कहते हैं ना कि सालों से सदियों से इस हवेली में भूत घूम रहे हैं, पायल की झंकार सुनाई देती है, कंगन की खनक सुनाई देती है, तो ये भी हमारे इर्द गिर्द हमने रचे हुए बुने हुए अपनी ही परंपराओं के, अपनी ही मानसिकता के पेट्रियार्क पुरुष प्रधान समाज के भूत है जो घूम रहे हैं हमारे आसपास। तो दोस्तों हम ऐसी और बातें लेके आपके सामने आएंगे, देखते ही यूट्यूब चैनल प्लेनेट जेवी।